नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, स्टक रहेंगे, हम ये चेक करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, आज की फीलिंग्स, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं, एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Occupation, बहुत ज़्यादा ध्यान है काम में। Bad health, इनकी health ख़राब हो रही है, मे बी ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए, क्योंकि feelings में है, intention में। Okay. गिफ्ट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 31, 7। अगेन 7, 7 की एनर्जी है, 5, 36 एंड 17। कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस इनके अंदर ज़रूर हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। मे बी ओवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटमेंट, एनजाइटी, ऐसा कुछ है जिसके चलते इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि फीलिंग्स में बैड हेल्थ दिख रहा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये इंसान ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, ऑक्यूपेशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। या फिर यू नो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि ध्यान आपके ऊपर ना जाए। कुछ लाइफ में भी एग्जॉक्शन है इनके, ठीक है, मतलब लाइफ सिचुएशन थोड़ी सी एग्जॉक्शन वाली लाइफ सिचुएशन है। इमरजेंसी में कुछ काम आया है जो कि उनको करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में मतलब एक अचानक से कोई प्रोजेक्ट आता है ना, वैसा कोई प्रोजेक्ट आया है जो कि उनको करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, जहाँ पर ध्यान बहुत ज़्यादा अपने काम पर है इनका, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा काम पर जा रहा है, ठीक है। कुछ इनको लाइफ से क्लियरिटी भी चाहिए, जहाँ पे ये इंसान शायद अपने आप को बिज़ी करके ये देखना चाहते हैं कि इनका ध्यान आप पे जा रहा है या नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा। हालांकि मुझे यहाँ पे ये इंसान आपको स्टॉक करते भी दिख रहे हैं, जितने भी बिज़ी हैं लेकिन ध्यान इनका आपकी तरफ ज़रूर है। ये इंसान चाहे जितने भी बिज़ी हो अपने लाइफ में, बिज़ी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ऑक्यूपेशन की एनर्जी यहाँ पर है, हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि यू नो कुछ क्लियरिटी इनको मिले। क्लियरिटी ये हो सकती है कि ये इंसान ये चाहते होंगे कि क्या ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आपसे ध्यान इनका हट रहा है, या तो ये जानना चाहते हैं, या बहुत बिजी होने के बावजूद भी ये इंसान ध्यान इनका आपके ऊपर ज़रूर है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी इनको मिल गई है कि जितना भी ये इंसान कहीं और ध्यान दें लेकिन इनका इनका जो फोकस है वो आपके ऊपर से नहीं हटता है, ऐसी कुछ क्लियरिटी इनको मिली है, जहाँ ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओवर प्रेशराइज्ड है किसी चीज़ से, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या तो एक्शन लेना है आपके टुवर्ड्स उससे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसके चलते ये नहीं चाहते हैं कि अभी आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आपसे अगर कनेक्ट किया उन्होंने और बहुत ये बिज़ी रहे तो भी आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे कि फिर आप नाराज़ होंगे। तो ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बैड हेल्थ की एनर्जी है क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। शिव
ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ जो गलत किया उसका कुछ ना कुछ इन्हें कैसे कहूँ भुगतान जो करना पड़ा, ठीक है, कर्मा हम कह सकते हैं इसे, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने गलत किया आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में थे और आपने 100% बहुत ऑनेस्टी के साथ दिया है इस रिश्ते में, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत किया इन्होंने आपके साथ जो कि इनको वापस मिल रही है वो चीज़ें। तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही होंगी जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत इन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। सो मे बी अगर ये मैरिड हैं तो इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों का डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, कुछ लोगों का और कुछ केस हुआ होगा, ठीक है, कुछ और केस प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ केस हो सकता है कुछ लोगों का, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, न्याय नहीं किया, गलत किया इन्होंने, ये रियलाइजेशन है इनको। तो मैं भी ये सोच सोच के इनका इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं जो कि उनको लग रहा है कि कैसे लें, सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं, या फिर ऐसे कुछ कर्मा रहे हैं इनके पास्ट में जहाँ से आपने इनके सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जहाँ से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस एंटर ना कर पाए। सो मैं भी ये सोच सोच के ये इंसान परेशान हो रहे हैं कि इनको आपको जस्टिस तो देना है, आपके साथ सब कुछ सही तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे ये इनको नहीं पता है। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का कि ये इंसान जो है मैरिड हैं और ये आपको पूरी तरह से जस्टिस आपके साथ नहीं कर सकते हैं इंसान, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं जो कि ये नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि कैसे करें, मतलब बंधे हैं, स्टक हैं, कैसे करें। हालांकि मुझे ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, स्टक हैं ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में ये इंसान मैसेज करना चाहते हैं आपको, इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत इमोशंस चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये स्टक हैं, ठीक है। इनको आपसे कुछ एक ऐसी फीलिंग्स होती है ना जैसे कि आप इनके जैसे ही हो, तो एक आपके साथ रहना मतलब इनको लगता है कि अपने साथ ही है, मतलब इतना कंफर्ट लेवल आपसे इनका है कि आपके साथ रहना मतलब इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है। सो ये इंसान इंटेंशनली सोच रहे हैं कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, जहाँ पे ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे। कॉम्प्रोमाइज़ क्या करने के लिए रेडी होंगे, जैसे पहले अगर टाइम नहीं दे रहे थे तो अभी कोशिश करेंगे टाइम देने की, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे थे, कुछ आप कमिटमेंट मांग रहे थे, इस तरह का कुछ था, तो ये कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। सो ऐसा कुछ ये करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ जो आप चाह रहे थे और ये नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को भी ये करना चाहते हैं, इंटेंशनली ये करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस प्यार की, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं पूरे बैलेंस वे में, और जो नंबर 7 है वो स्पिरिचुअल नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो थोड़ा सा ये ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इनकी सोल ग्रो कर रही है, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी जर्नी जो है वो आपके साथ है। माई गुडनेस काज, क्योंकि एक मिनट हाँ, मेच्योर मैन की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, या तो आप या तो ये इंसान, ये आपको देख रहे हैं मैच्योर मैन, तो ये जो है ना मतलब जेंडर में मत लीजिएगा इसको, एनर्जी है ये आपको मैच्योर देख रहे हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो ईगो में हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और फिर भी आप हार नहीं माने हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्विट नहीं किया, भले आप दिखा रहे होंगे इनसे कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि आपने क्विट नहीं किया, आप बने हैं इस रिश्ते में, आप गुस्से में हैं, नाराज़ है बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर इतना गुस्सा है आपको कि पता नहीं आप मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, ऐसी ऐसे नाराज़गी आपको इनसे है, इनको पता है। अब आप ईगो में हैं, ये इंसान आपको ईगो में देख रहे हैं, तो आप बहुत मैच्योर हमेशा से रहे हैं इस रिश्ते में, हमेशा से रिश्ते में आपने मैच्योरिटी दिखाई है। अगर इस इंसान ने आपके साथ मैच्योरिटी नहीं भी दिखाई थी, इनकी मैच्योर एनर्जी थी, तभी भी आपने अपने अपने साइड से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, अपने साइड से बहुत एफर्ट्स आपने लगाए होंगे मैच्योर एक पूरी मैच्योरिटी के साथ। सो ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर थे पास्ट में, लेकिन अभी चेंज हो रहे हो आप, क्योंकि 5 नंबर है, चेंज का नंबर है, इनको लग रहा है चेंज हो रहे हो आप, और आप में ईगो आ रहा है, जो पहले आप में ईगो नहीं था, अभी आप में ईगो आ रहा है, गुस्सा आपका बढ़ गया होगा इनके ऊपर, ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा आपको इनके ऊपर, और फिर भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बने हैं, मतलब जितना भी आपको इनके ऊपर गुस्सा आए, आपको ईगो हो, बहुत ईगोस्टिक हो जाए आप, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ बने रहोगे आप, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
सो ऑब्स्टिकल जो है वो अगेन अन्याय की एनर्जी है, जुडिकेशन की एनर्जी है, जहाँ पे मैंने बोला ना या तो ये इंसान कोई कोर्ट केस में फंसे हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने ब्लॉक किया, मतलब मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपने पार्टनर्स को ब्लॉक किया है, जिसके चलते ये इंसान चाह के भी आपसे आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इनका दो जगह या तो बैलेंस करना या फिर जगलिंग, हमेशा ये करे वो करे, नहीं करे, एक्शन ले नहीं ले, ऐसी वाली एक बिहेवियर जो कि ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग इनको आपके साथ करना है, क्योंकि इनको एक इमोशनल कनेक्शन आपसे फील होता है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये यू नो आप इनके विश हो लेकिन फिर भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान आपके साथ न्याय इन्होंने नहीं किया है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया, और अब आप जो है ना ब्लॉक कर दिए इनको, मतलब ब्लॉक मतलब इनकी एनर्जी नहीं चाहिए आपको। मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कि अपने पार्टनर की एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत हुआ ये ऑन एंड ऑफ वाला खेल, इन एंड आउट, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए वाले खेल। अब आपको ऐसा कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूँ, बहुत अगर प्यार है तो है मेरे अंदर, लेकिन आपका प्यार मुझे और नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रहना मतलब इनकी इनको खुशियाँ मिलना, ठीक है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना आपके साथ, जो कि इनको और कहीं से नहीं मिलता होगा। लेकिन फिर भी किया तो न्याय नहीं है ना, किया तो कुछ खराब ही है ना, तभी तो आप लोग सेपरेट हुए हैं। सो इनको लग रहा है कि जो अन्याय इन्होंने कर दिया है वो ऑब्स्टिकल है, मतलब जो कर दिया वो कर दिया, ख़त्म हो गया वो, अब आपको सुनना नहीं है कुछ भी इनसे कि ये क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, रिश्ते में एफर्ट्स देना चाहते हैं, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है। मतलब इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है सब कुछ, कि अब एक इमोशनल कनेक्शन होना या इनकी इच्छा पूरी होना, ये सब अब पॉसिबल नहीं लग रहा है इनको। अगेन एक मैच्योर वुमेन की एनर्जी यहाँ पे है, सो इनको आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल लगते हो अपने। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे है, अगेन इनको आप बहुत मैच्योर लगते हो, एक कंपैटिबल वाली एनर्जी है, मतलब आप दोनों ही एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाए ऐसी। अगर आपकी एनर्जी एक फेमिनाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी अगर ये देख रहे हैं इंसान अभी, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर वो प्यार वो कंपैशन होना चाहिए आपके लिए। अगर आप इगोस्टिक हैं अभी, तो इनको थोड़ा सा लव केयर कंपैशन इनके अंदर आना चाहिए, ताकि ये रिश्ता नर्चर हो पाए। अगर ये इंसान भी ईगो में रहेंगे अभी, तो ये जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इंसान आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, कैसे, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मैच्योर एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी के साथ ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। आपको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है इनका, ठीक है, और कोलैबोरेशन चाहते हैं। मतलब अगर पास्ट में आप एफर्ट्स लगा रहे थे और ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, तो ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ इन्होंने क्या किया है, कहाँ गड़बड़ की इन्होंने, कहाँ ये अच्छा कर सकते थे, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये ओवर थिंक कर करके आई थिंक अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, या फिर एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना, ऐसा कुछ हो रहा होगा प्रॉब्लम इनको, जहाँ ये ओवर थिंकिंग कर करके अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। पता बहुत अच्छे से है इनको कि इन्होंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, कहाँ गलत किया, कहाँ सही करना चाहिए था और नहीं किया। इसलिए आपको मैच्योर एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप अभी इनको एक मस्कुलाइन एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है अगर आप में ईगो है अभी, आप अभी गुस्से में हो, नाराज़ हो, तो क्यों नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। तो ये इंसान अब अच्छा करना चाहते हैं, कैसे, एक फेमिनाइन एनर्जी में, जेंडर में मत लीजिएगा इसको, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये इंसान, फेमिनाइन एनर्जी का मतलब क्या होता है, बहुत लव कंपैशन केयर बहुत ज़्यादा है ना, सो वो एक ऐसी एनर्जी में आए जहाँ पे ये रिश्ते को वो नर्चर कर पाए। सो मुझे पहली बार ऐसी स्प्रेड दिख रही जहाँ पे ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को अकेले ही, भले आप ईगो में हैं अभी, अभी आप गुस्से में हैं, लेकिन ये इंसान अपनी एनर्जी से इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ऐसी आज की थॉट इनकी है, ठीक है। ये अबंडेंस चाहते हैं और गिफ्ट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। अब देखिए, बहुत बड़ी कुछ गिफ्ट नहीं भी होगी तो छोटे मोटे कोई गिफ्ट ज़रूर होगी, ठीक है। सो ये गिफ्ट देना चाहते हैं, एट की एनर्जी है और अबंडेंस की एनर्जी है फॉर श्योर। या तो इनको या तो आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर इस रिश्ते में खुशियां आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। आप इनको यू नो कंपैटिबल लगते हो, मतलब आपके साथ म्यूचुअल इनकी फीलिंग्स है, मतलब ऐसी है एनर्जी जैसे कि ये इंसान मिरर देख रहे हैं, ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये आप जो हैं वो यही हैं, ऐसी एक एनर्जी।
सो एक कंफर्टेबल लेवल आपके साथ ज़्यादा होना, अपनापन ज़्यादा लगना, भले आप बहुत कम समय के लिए मिले हो, साथ बहुत कम समय के लिए आप रहे हो, लेकिन आपसे एक अपनापन फील होना, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, वो एनर्जी फील होती है आपसे. सो मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज. वर्कहॉलिक, देखा मैंने बोला ना, देखिए ये इंसान अभी वर्कहॉलिक हो रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि या तो ये समझना चाहते हैं कि कहीं अपना ध्यान ये भटकाने के बाद क्या आपसे ध्यान हट रहा है, लेकिन बहुत काम करने के बाद भी इनका ध्यान आप पे आ रहा है, आप पे आ रहा है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जितना भी ये बिज़ी हो जाए, कहीं भीड़ में अगर ये रह जाए, फिर भी इनको आपकी कमी ज़रूर महसूस होती है. सो एक क्लियरिटी इनको ज़रूर मिली है, मुझे ये दिख रहा है, बहुत वर्कहॉलिक होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी इनका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है, ये क्लियरिटी इनको मिली है. ठीक है, विजडम की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, जहाँ स्टक है ना वहाँ से निकलना चाहते हैं इंसान, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं निकल पाएंगे. और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जब हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बिना एफर्ट्स लिए हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जहाँ एफर्ट्स लेंगे अगर, तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ. ठीक है, परसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर है, ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपने एक परसेप्शन बना लिया है, अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लोगे या नहीं लोगे, लेकिन जो भी है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. फेथ की एनर्जी है, जहाँ इनको लग रहा है कि आपने बहुत मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया है, और जितने भी एग्जॉस्ट हैं आप, भले नाराज़ हैं आप, ईगो में हैं आप, लेकिन इस रिश्ते से आपने क्विट नहीं किया है, इनको बहुत विश्वास है इस चीज़ पर. ठीक है, जॉय की एनर्जी है, इनको लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत खुश है, मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये पूरी दुनिया की खुशी मिल गई है, ऐसी एक एनर्जी है, जहाँ एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ये खुश तो हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल है ये, क्योंकि इनको पता है कि इनके विश आप हो, इनके विश फुलफिलमेंट हो आप, इनके लिए एक ऐसी इच्छा हो जो कि पूरी हो जाए, तो ये इंसान खुश हो जाएंगे, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब ये तो चाह रहे हैं खुशियाँ, लेकिन क्या आप चाह रहे होंगे, और अगर आप चाहेंगे भी तो क्या आप दोनों मिलोगे, तो चीज़ें ठीक होंगी या और ख़राब होंगी. सो बहुत सारे थाट्स घूम रहे हैं इनके माइंड में. सर्विस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ये इंसान सर्विस देते दिख रहे हैं. ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करना, काम करना, दान दक्षिणा करना, किसी को हेल्प करना, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी है यहाँ पे, एक रीबर्थ की एनर्जी है ये. ठीक है, सो ये इंसान दुखी है, उदास है, मतलब ऐसे हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं से कुछ एक रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एक्शन लेंगे तो क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या आप दोनों के बीच वो सब ठीक हो जाएंगी, और फिर सबको सोच के इनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे. सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, जहाँ पे इंसान बिना एक्शन लिए ही डिसीजन ले रहे हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसी एनर्जी. ओके, सो थोड़े से हम मैसेज चेक करेंगे क्या बोलना चाहते हैं. सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन. सो एक गाना सुन लीजिएगा, आप लोग कनेक्टेड है इस एनर्जी से. ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था. इसके बाद मुझे लिरिक्स नहीं आते आप लोग सुनिएगा यूट्यूब में, आज की एनर्जी ऐसी है. वन मोर टाइम प्लीज. थोड़ी सी मुझे हैवी लग रही है आज की एनर्जी, मैं जब स्टार्ट ही की थी रीडिंग उस टाइम में मुझे थोड़ा हैवीनेस लग रहा था आज. आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपकी पीठ पीछे इंसान आपकी बहुत तारीफ करते हैं, ये कहना चाहते हैं. आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू, सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टस की एनर्जी है, तो ये फैंटेसाइज तो कर रहे हैं आपको, और एक सोल कनेक्शन भी इनको फील हो रहा है आपके साथ. ठीक है, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये आपके अपने फ्रेंड्स से या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे कि ये पूछते हैं आपके बारे में. आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये इंसान तड़प रहे हैं. ठीक है,
आई थिंक यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो, आप अगर ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर गए हैं तो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं, कि आप झूठ बोल रहे हो. नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील यू. आप के लिए जैसा फील उन्होंने किया, ये किसी और के लिए और फील नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं किया इन्होंने, कोशिश किया होगा बट कहीं फील नहीं हुआ इनको वो फीलिंग्स. ठीक है, आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो कुछ ऐसा है जिसमें ये इंसान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे. आपने बहुत दिन लगा दिया, आप एक्शन नहीं लिए, कुछ ऐसा होगा, या फिर आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके चलते आपको माफ़ नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं. आई राइट पोएम्स अबाउट यू, वाओ सो स्वीट, आपके लिए पोएम लिखते हैं इंसान. आई फील सॉरी फॉर यू, आपके लिए सॉरी फील करते हैं, इनको लगता है कि उन्होंने न्याय नहीं किया आपके साथ, अन्याय किया इनको ये लगता है. ठीक है, आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, फिर से एक नया जो नया प्यार जो होता है ना, वो फिर से आपसे स्टार्ट हुआ, इनको ये लग रहा है. आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, आपसे आजकल इनको नेगेटिव वाइब्स मिलती है, इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, छोड़ रहे हो इनको, आगे बढ़ रहे हो, कोई और आपकी लाइफ में है, ऐसे एक नेगेटिव वाइब्स आप इनको दे रहे हो. ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आपके साथ आपसे ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ये कहना चाहते हैं. ठीक है, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज रिमाइंड मी, सॉरी, योर ब्यूटिफुल फेस ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स. तो ये इंसान सोशल मीडिया में आपको मे बी स्टॉक कर रहे होंगे और देख रहे हैं, और देखे ये इंसान जो है ना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, तो यस, मुझे लग रहा है कि विदिन 15 डेज बहुत लोगों की बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर से. ये इंसान अब नर्चर करने के लिए आना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि अगर आप गुस्से में हैं भी तो ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के आपको मना सके, या फिर से आपके दिल में प्यार जगा सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.